देखें, सबसे पहले कि G6PD क्या है। G6PD रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। किसका है? एग्जॉस्ट मोनोफॉस्फेट शंट का है, ठीक है ना। ये देखें HMP शंट, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम G6PD, और इसको सपोर्ट कौन करता है? NADP, और इसको इनहिबिट कौन करता है? NADPH। तो ठीक है ना, NADP और NADPH इसके रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए अनीमिया जो है ना, अनीमिया अगर आप देखें तो इसमें ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो सकता है, हीमोलिसिस की वजह से, और या फिर डिक्रीज RBC प्रोडक्शन की वजह से अनीमिया हो सकता है ना, ठीक है ना। अब हीमोलिसिस के अंदर देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंट्रेंसिक इनहेरिटेड हीमोलिसिस हो सकती है, ठीक है ना। और देखें इनहेरिटेड हीमोलिसिस में ऐसी इंजाइम डिफिशेंसीज हो सकती हैं जिनके जीन्स वगैरह की हेरा फेरी की वजह से, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे G6PD की डिफिशेंसी से जो अनीमिया होता है ना, ठीक है। देखें ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी कि पेंटोज जो फॉस्फेट पाथवे है, PPP, ठीक है ना, PPP जिसको हम HMP शंट कहते हैं, HMP शंट, HMS जो लिखा हुआ है, HMP शंट, ये H असल में HMP शंट है, ठीक है ना। ये होती क्या है? देखें सबसे पहले कि ये जो प्रोसेस है ना, ये याद रखें, जो जो HMP शंट है, ये NADPH प्रोड्यूसिंग NADPH प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, और जितने भी NADPH प्रोड्यूसिंग स्टेप बायोकेमिकल इवेंट्स हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोसोल में, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, साइटोसोल में, ठीक है ना। और जितने भी FADH प्रोड्यूसिंग जो इवेंट्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, वो सारे कहाँ होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, HMP शंट कहाँ पर है, लाई कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म में या फिर साइटोसोल में लाई कर रहा है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ऑल द NADPH प्रोड्यूसिंग जो स्टेप्स आर इन साइटोसोल, या फिर जो NADPH प्रोड्यूसिंग इंजाइम्स आर इन साइटोसोल, ठीक है ना, ठीक है। अब याद रखें कि पेंटोज फॉस्फेट शंट के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये देखें, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में, 6 पागल में, ठीक है ना, 6 पागल में, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन थोड़ा सा पानी पी के, पागल थोड़ा सा पानी पी के 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पी के, ठीक है। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है ना, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट वो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जब बनता है, तो जो 6 चैनल्स पे पेरेंटल गाइडेंस लगती है, तो बच्चे अकल के आधे 3, यानी कि 6 के आधे 3, वो कहते हैं कीटो, क्यों लगी पेरेंटल गाइडेंस 6 चैनल्स पे, तो 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, ठीक है ना, 3 कीटो से बाकी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो 6 5 कार्बन राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, HMP शंट का जो जो ऑक्सीडेटिव यानी कि इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, ये सारे नहीं है लेकिन ये इतने हैं कि आप सारे के सारे MCQs जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगे इससे, ठीक है ना। देखें आप, होता क्या है, इसमें एक छोड़, एक पहले में, फिर दूसरा छोड़ के तीसरे में NADPH बनता है, ठीक है, याद रखें, इसमें 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, पहले में और किसमें, तीसरे में, ठीक है। और इसके इस ये जो रिएक्शन है, इसके एक और तीन पॉइंट पे यानी कि ऑड जगहों पे, देखा ना, कितने टोटल, 1 2 3 4, यानी कि 2 और 4 इवन है, यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है ना, यहाँ पे NADPH नहीं बन रहा, ऑड में बन रहा है, एक में बन रहा है और 3 में बन रहा है, NADP से NADPH, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH इसके रिएक्शन के एंड में बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें, दो पे पानी दो, ठीक है, पागल कहता है पानी दो, और दो मतलब ये दूसरा स्टेप है, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरे में फिर एक कार्बन, 6 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, और 5 कार्बन वाला कौन बनाता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इंजाइम्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है, इसमें G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे एक्ट करता है, याद रखें, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एग्जॉस्ट मोनोफॉस्फेट शंट, या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP का, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक समराइज करें इस पूरे रिएक्शन को, तो वो कैसे बनेगा,
ठीक है ना, वो देखें ऐसे बनेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये आगे आया आया, ये देखें स्टेप्स, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं यहाँ पे, और वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसमें, और 2DNADPH के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और आखिर में क्या बन रहा है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये है वो रिएक्शन जो हमने सारे का सारा अभी कॉपी में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे NADP से जो इसको फिर G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप है। G6PD को सपोर्ट कौन कर रहा है, NADP, और इनहिबिट कौन कर रहा है इसको, NADPH, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखें तो दो चीज़ें बनती है, एक हमारा NADPH के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये NADPH के दो मॉलिक्यूल्स फिर आगे जाके कहाँ काम आते हैं, ये आगे जाके काम आते हैं किस चीज़ में, ये RBC के अंदर जो ग्लूटाथायोन है ना उसको रिड्यूस करने में काम आते हैं, ठीक है ना। ग्लूटाथायोन को ये RBC के अंदर वाले ग्लूटाथायोन को ये रिड्यूस करने के काम आते हैं। याद रखें ना, सिर्फ RBC के अंदर ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करने के काम आती है ये NADPH के मॉलिक्यूल, बल्कि फैटी एसिड सिंथेसिस में भी, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी, ठीक है ना, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी ये NADPH रिडक्शन रिएक्शंस को में पकार आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी ओवरऑल एक कंसेप्ट जहन में रखें कि NADPH इज़ यूज फॉर रिडक्टिव रिएक्शंस, ठीक है ना, रिडक्टिव रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इस केस में रिडक्टिव रिएक्शन की मिसाल ले लो G6PD में RBC के अंदर ग्लूटाथायोन को, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप बात करते हैं रेट लिमिट स्टेप किसकी, रेट लिमिटिंग एंजाइम हमारे G6PD की, ठीक है, ठीक है ना। देखें अगर आप G6PD की बात करें तो ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कहाँ बनता है, प्रोटीन बनता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। जीन कहाँ, एक जीन से बनता है सबसे पहले, एक जीन से, जीन की फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, ठीक है ना। इस ट्रांसलेशन के बाद हमारा प्रोटीन बनता है। लेकिन अब देखें कि ये जो G6PD है ये हमारा एक प्रोटीन है यानी इंजाइम, ठीक है। ये प्रोटीन एक जिस जीन से बनता है ना, जिस जीन के ऊपर इसका सिग्नलिंग होती है, कोडिंग होती है, वो जीन हमारा होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है ना, वो जीन होता है हमारा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारी जो G6PD डेफिशिएंसी है ये डिजीज एक्स लिंक्ड क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, याद रखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये। और याद रखें अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस आप क्या कहता है, ये कहता है कि मेल्स में ये डिजीज ज्यादा होगी, ठीक है ना, मेल्स में ये डिजीज़ ज़्यादा होगी। क्यों, ये इसका कंसेप्ट ये है कि देखें फीमेल में एक्स एक्स दो एक्स हैं, अगर इसमें डिजीज़ है भी सही तो ये इसको कवर कर लेता है, लेकिन फीमेल में देखें, मेल में देखें, मेल में, ठीक है ना, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है, मेल में देखें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर इसमें ये डिजीज़ आ गई, क्योंकि ये क्रोमोसोम, ये जीन जो होता ही एक्स पे है, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम पे, तो अगर इसमें आ गई तो कोई भी एक्स इसको रोकने के लिए नहीं है, इधर तो वाई पड़ा है, ठीक है, तो ये डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ का नाम आप के जहन में आ जाए, ठीक है ना, जहन में आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेल्स में ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसको आप निमोनिक कैसे याद रखेंगे, एक्स, ठीक है ना, मेल्स मोर प्रोन टू वर्ड एक्स 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 ना, ठीक है ना, इसी तरह लिंग, ठीक है, एक्स लिंग, ठीक है ना, एक्स लिंग मतलब, ठीक है ना, लिंग, ठीक है, इससे याद रखें कि आप ये डिजीज़ को कहाँ ज़्यादा होती है, मेल्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें कि ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है हमारा G6PD, इसकी रेगुलेटर्स हम यहाँ से कैसे आसानी से कर सकते हैं, देखें अगर NADPH ज़्यादा हो तो ये इसको स्टिमुलेट करता है, अगर NADP ज़्यादा हो तो ये इसको स्टिमुलेट करता है, यानी कि चलो यार ये रिएक्शन करो, ये रिएक्शन में काम आता है ना ऐसे, ये देखें, अगर NADPH ज़्यादा हो ना, H ज़्यादा हो, इसको फिर रोकता है, इसको फिर आने नहीं देता इस रिएक्शन को आगे, इसका मतलब ये हुआ कि NADH सपोर्ट करता है G6PD को, NADPH इनहिबिट करता है G6PD को, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसके रेगुलेटर, सिर्फ दो ही रेगुलेटर्स हैं G6PD के, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। अब एक बात याद रखें कि ये जो स्टेप है ना पूरे का पूरा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये कहाँ होता है पता है, ये RBC के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, RBC के अंदर हो रहा है, ये RBC के अंदर हो रहा है, और RBC के अलावा ये कहाँ होता है, एडिपोज मेमोरी ग्लैंड में, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में ये होता है, और उसके बाद लीवर में, ठीक है ना, और एड्रिनल ग्लैंड में ये होता है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद कहाँ होता है,
और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में स्पेशली, ठीक है ना। तो ये इन जगहों में ये होता है, लेकिन हम आरबीसी को लेंगे। अब देखें आरबीसी के केस में, क्योंकि हम अनीमिया की बात कर रहे हैं ना, तो आरबीसी के केस में अब आरबीसी का तो अपना न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, अपना न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये इंजाइम कहाँ से आता है आरबीसी में, ठीक है ना, जी सिक्स पी डी डिफिशेंसी, ये जी सिक्स पी डी इंजाइम कहाँ से आता है, ये देखें हमने कहा था ना, ये जीन से आता है, जीन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो आरबीसी का तो अपना न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी में ये न्यूक्लियस कहीं दूर से आस पास से बन के आता है आरबीसी के अंदर, ठीक है ना। पहली बात तो आप ये समझ लें, ठीक है ना, यानी कि बाहर इसमें न्यूक्लियस नहीं है, बाहर कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, जीन ट्रांसक्रिप्शन हो गई, उसके बाद ट्रांसलेशन हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आ गई हमारी प्रोटीन, ठीक है ना, एक प्रोटीन आ गई, पी फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है, एक इंजाइम है, ये इंजाइम क्या है, इसका नाम जी सिक्स पी डी है, ये पी डी जी सिक्स पी डी फिर जाता है हमारी किसमें, आर बी सी में, ठीक है, बाहर से आता है, ठीक है, ठीक है ना। जब ये आएगा आरबीसी के अंदर आएगा, तो ये क्या करेगा, इधर आके ये करेगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोनेट छः पागल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को छः पागल में कन्वर्ट कर देगा, उसको छः पागल कह देना, ठीक है ना, ये इंजाइम, ठीक है। इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होगा, एनएडीपी एक खर्च होगा, खर्च होने के बाद एक एनएडीपीएच बन जाएगा, इसी एनएडीपीएच का यहाँ पे देखें कि फिर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहाँ आरबीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ये आरबीसी की ग्लूटाथायोन को, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर इसी को ग्लूटाथाउन ऑक्सीडाइज को या फिर ग्लूटाथाउन रिड्यूस में कन्वर्ट करता है, कौन कन्वर्ट करता है, जी सिक्स पी डी, ठीक है ना। इसी को अगर हम लिखें केमिकल उसमें तो ठीक है, ये क्या बनता है, इसको इसको हम क्या कहेंगे, जी एस एस जी, ठीक है ना, ये हमारा ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है। इसी तरह इसको यहाँ पे इसी को आगे ले जाएं, इसको हम क्या कहेंगे फिर, टू जी, ठीक है ना, टू जी एस एच, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। तो ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होता है किसकी मौजूदगी में, जी सिक्स पी डी की मौजूदगी में, ठीक है ना। असल में देखें रिडक्शन को भी रिएक्शन होता है, उसका एक जो एक रिडक्शन उसका जो एक डेफिनेशन ये भी होती है कि एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ एच आयन ना, ठीक है ना, तो ये होता है, ठीक है ना, रिडक्शन। तो अब देखें के जो होता है, अब इसको ये रिड्यूस कैसे हुआ, यहाँ पे देखें यहाँ डाइसल्फाइड बांड आपको नजर आ रहा है, हमने इसमें क्या किया, इसको हमारे हमारे एंजाइम ने क्या किया कि इसका जो डाइसल्फाइड बांड है ना, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, ये देखें जी एस एच लगा दिया, और इसी तरह जी एस यहाँ पे एच लगा दिया, ये तोड़ के इसके साथ भी एक एच लगा, इसके साथ भी एक एच, तो दो एच यहाँ पे खर्च हुए, ठीक है ना, ये देखें तो जी एस एच जी एस, या फिर इस तरह लिखें एच, ये टूट गया है ना ये बॉन्ड, फिर जी एस और ये एच, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो जी हैं इसमें, दो जी हैं, फिर दो एस हैं, ठीक है ना, दो एस हैं, दो एस हैं, एक दो दो एस, इसी तरह दो एच हैं, ठीक है ना, दो एच। तो ये क्या हुआ, ये यही हुआ, ये क्या हुआ कि इसको रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करना चाहें तो आप इसमें से हाइड्रोजन आयन निकाल लें, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन से निकाल लें, निकाल लेंगे तो ये दोबारा इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या चल रहा होता है, यानी कि विदाउट एनी डिफिशियंसी ऑफ एनी किस्म की, यानी जी सिक्स पी डी की एंजाइम की डिफिशियंसी के बगैर, ठीक है ना, यानी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। देखिए आर बी सी होती है, ठीक है, हमारे ब्लड में आर बी सी जो होती है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूटाथायोन होती है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन की होती है, ठीक है ना। ग्लूटाथायोन रिड्यूस कौन सा, अभी आपको पता होना चाहिए, इसको रिड्यूस कहते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो कम अमाउंट होती है हमारी ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज की, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज कौन सा, इसकी, ठीक है ना, ये यानी कि ये हमारी ज्यादा मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में होता है, ठीक है ना, आरबीसी में नॉर्मली हमारे ब्लड में, ठीक है, ठीक है ना। अब फिर हमने कहा कि जो रिएक्शन होते हैं ना आरबीसी के अंदर, इस आरबीसी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, इन रिएक्शन के नतीजे में कौन बनता है, पता है, इन रिएक्शन के नतीजे में बनता है हमारे ऑक्सीडेटिव एजेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स बनते हैं, याद रखें। इन ऑक्सीडेटिव एजेंट्स की वजह से क्या पड़ती है आरबीसी के ऊपर या बॉडी के ऊपर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस,
ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है जब ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये रिएक्शंस के बाद ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, ठीक है ना, तो ऑक्सीडेटिव एजेंट्स बनते हैं। ऑक्सीडेटिव एजेंट्स जब बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ती है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव एजेंट्स है ना, ये क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव, एक मिसाल ले लो हाइड्रोजन परोक्साइड, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव एजेंट है, या फिर ये एक स्ट्रेस है, ठीक है, सेल के लिए, आरबीसी के लिए। ये क्या करते हैं पता है? ये ऑक्सीडेटिव एजेंट्स फिर जाके क्या करते हैं, ये जो आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन होती है ना आरबीसी के अंदर, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लोबिन प्रोटीन आपको पता है ना, हीम और ग्लोबिन से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है ना। इस ग्लोबिन प्रोटीन को ये लोग टारगेट करते हैं, कौन, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स टारगेट करते हैं, और इस बेचारे को, ठीक है ना, डीनेचर करते हैं इस ग्लोबिन को, ठीक है ना, ग्लोबिन को डीनेचर करते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्मली, यानी कि करते हैं नहीं, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, याद रखें, करते नहीं हैं, यानी कि या फिर कर नहीं पाते, ठीक है ना, ये कर नहीं पाते। नॉर्मली ऑक्सीडेटिव एजेंट्स बनते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीडेटिव एजेंट्स क्या कर सकते हैं कि ये जाके हमारे हीमोग्लोबिन को, इनको थोड़ा सा भी मौका दिया जाए तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना, इसको डीनेचर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। फिर मैंने क्या कहा कि कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते, देखें, इसलिए कि हमारे सेल के अंदर भी, हमारे जो आरबीसीज के अंदर भी एक हमारा होता है बदमाश डॉन, ठीक है ना, जो हमारा दोस्त डॉन होता है, उस डॉन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटाथायोन, ठीक है ना, ग्लूटा थायोन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ग्लूटाथायोन थाई, इसमें देखिए तीन लेन लिखा हुआ है, तीन, इससे आप याद रखें कि ये एक ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है ना, ये एक ट्राइपेप्टाइड है, ग्लूटाथायोन, ठीक है, ये हमारा दोस्त डॉन है जो हमें ऑक्सीडेटिव एजेंट से बचाता है। अब ये जब ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन मिलता है या इस तरह के H2O2 जैसे ऑक्सीडेटिव एजेंट्स के साथ मिलता है, और इसको क्या करता है, इसको आरबीसी के ऊपर, के ग्लोबिन के ऊपर एक्ट करने नहीं देता, ठीक है ना। जब इसको, जब ये इसके साथ मिलता है ना, तो ये क्या बनता है यहाँ पे, ये देखें, ये H2O2 बनती है क्या, हमारी H2O में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और खुद ये क्या होता है, ये रिड्यूस ज़्यादा होता है ना, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, ये देखें, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, सही है ना, ये तरीका है इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है ना, और H2O2 को इसको इसने पानी में कन्वर्ट कर दिया, पानी तो कोई नुकसान नहीं है ना, ठीक है ना, तो पानी फिर ग्लोबिन को क्या नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसने देखा ये सारे स्टेप को, जो ऑक्सीडेटिव एजेंट्स थे जिन्होंने काम करना था हमारी ग्लोबिन प्रोटीन के ऊपर आरबीसी के अंदर, इसको इसने यहाँ पे बिल्कुल ही रोक दिया, दीवार खड़ी कर दी, ठीक है ना, ग्लूटाथायोन ने, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को लिखूँ छोटे से उसमें, तो ये देखें, ग्लूटाथायोन, रिड्यूस ग्लूटाथायोन बन रहा है, क्या बन रहा है, रिड्यूस ग्लूटा ग्लूटाथायोन, ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ये देखें, ऐसे करके यहाँ पे H2O2, ठीक है ना, और ये वाटर बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखें कि हमारी आरबीसी के अंदर रिड्यूस ग्लूटाथायोन ज़्यादा मिकदार में होता है, ये पहले भी बताया आपको, और जो है ना, ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन कम मिकदार में होता है। अगर रिड्यूस ग्लूटाथायोन कम होगा हमारी बॉडी में, तो क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा, जब ये होगा ही नहीं तो H2O में कन्वर्ट नहीं होगा, और H2O जाके क्या करेगा, सीधे के सीधे जाके हमारी ग्लोबिन प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, यहाँ पे हम H2O2 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसकी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि ऑक्सीडेटिव एजेंट्स की एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है ना, एजेंट्स की एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि H2O2 है, ठीक है, इस जगह में और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, अगर इसको हम दोबारा एक सीधे रिएक्शन में लिखते हैं एक मिनट, ठीक है ना, आप देखें दोबारा वही रिएक्शन लिख रहे हैं हम, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट किया, किसने, किसके साथ मिलके, H2O2 ने रिड्यूस ग्लूटाथायोन के साथ मिलके इसको ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर दिया और खुद वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन देखें, GS लिखेंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, 2GS, और ऑक्सीडाइज को हमने क्या कहा, ऑक्सीडाइज को हमने कहा ये GSS G, ठीक है ना। तो याद रखें, जिसमें H होती है, H एडिशन, एडिशन ऑफ H को रिडक्शन कहते हैं ना, ठीक है ना, याद रखें। अच्छा, अब देखें, जैसे जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है, ये आरबीसी में जो रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बनती ही बनती है ना, या फॉर एग्जाम्पल परऑक्साइड बोल दो,
ये O2 बनता जा रहा है, साथ साथ जब बनता जा रहा है तो ग्लूटाथाउन भी इसके साथ मिलके खत्म होता जा रहा है, ऑक्सीडाइज होता जा रहा है, मिलके खत्म होता जा रहा है। तो अब ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि जब सेल के अंदर RBC के अंदर रिड्यूस ग्लूटाथाउन खत्म हो, ठीक है ना, कि बहुत सारा H2O2 बनता जा रहा है, ग्लूकोज रिड्यूस जो ग्लूटाथायोन है ये यूज़ होता जा रहा है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आता है कि ये तो कम पड़ जाएगा अगर इस तरह, ये तो बहुत सारे रिएक्शंस के थ्रू ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न सिर्फ H2O2 बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन चाहिए। तो अब एक तरफ ये भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये भी ज़्यादा हुआ पड़ा है। तो होता क्या है कि हमारा जो NADPH है, NADPH, ये कहाँ से आया था NADPH, ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप से आया था। रेट लिमिटिंग स्टेप क्या था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था सिक्स पागल में, ठीक है ना, PGL में, सिक्स पागल। इसमें जो NADPH इस्तेमाल NADP इस्तेमाल हुआ था, NADP वो NADPH बनाता है, ठीक है ना। अब किसकी मौजूदगी में बनाता है, G6PD इंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है ना, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन तय पाता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन तय पाता है तो NADPH बनता है। ये NADPH फिर क्या करता है पता है, ये NADPH जाके इसको ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को रिड्यूस ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास क्या होता है, NADPH मोर मोर एंड मोर आता जाता है, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस में कन्वर्ट करता जाता है। फिर ये रिड्यूस्ड फिर इस जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी RBC को बचाता जाता है इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें NADPH बनाए NADPH में, इस प्रोसेस के थ्रू NADPH फिर इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो गया दोबारा NADP में। तो ये तो था नॉर्मल, हमने किसी भी इंजाइम का कोई भी स्टेप खराब नहीं किया, ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से चल रहा था। तो ये सारा मामला चल रहा था, ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारे RBC को बचा रहा था और इस तरफ G6PD कन्वर्ट करके NADPH प्रोड्यूस कर रहा था और ये NADPH रिड्यूस कर रहा था दोबारा ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को रिड्यूस ग्लूटाथायोन में। ये सब कुछ नॉर्मल था। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ एबनॉर्मल करा देते हैं इसमें, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि G6PD डिफिशेंसी हो तो क्या होता है। ये देखें यहाँ पे, अब बहुत आसान है, देखें G6PD डिफिशेंसी हो गई ये एंजाइम की, तो ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक। जब ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है NADP का NADPH में, तो NADPH भी नहीं बनेगा। जब NADPH नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन आगे कैसे जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड जो ग्लूटाथायोन है, ऑक्सीडाइज्ड है ये, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन नहीं बनेगा ना, तो जो ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, फॉर एग्जांपल इस केस में H2O2 है, ये किसके साथ मिलके वो करेंगी, रिएक्शन करेंगी, ये रिएक्ट करने के लिए इनको कोई भी साथी जब नहीं मिलेगा तो ये जो जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे पता है, ये जाके ग्लोबिन प्रोटीन होता है ना हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन अभी हमने बताया था, इसका जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसको जाके ये ऑक्सीडेटिव एजेंट्स ग्लोबिन को डीनेचर करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अगर हम इसको रिएक्शन की तरह लिखें तो ये देखें ग्लूटाथायोन तो कम है, बना हुआ ही नहीं है क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी है। तो H2O2 किससे मिल रहा है, ये देखें ग्लोबिन के साथ मिल रहा है, ये देखें ग्लोबिन के साथ यहाँ पे अगर, ठीक है ना। तो अब देखें कि जो जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन नहीं है तो ये देखें इसके साथ ग्लोबिन, ये देखें ग्लोबिन, ठीक है ना, इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, ये डीनेचर्ड ग्लोबिन चेन, ठीक है ना। इसको आप अगर उसमें लिखें, ये देखें यहाँ से ये मिलता है किसके साथ, ये ऑक्सीडेटिव जो चीज़ें हैं वो मिलके H2O बन गया और ये H2O2 इसमें आके, ये देखें एग्जांपल ये हमने यहाँ पे H2O2 की, ठीक है, इस जगह में ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव एजेंट्स, ठीक है, ये देखें अब डीनेचर्ड ग्लोबिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, डीनेचर्ड ग्लोबिन चेन हो गई ये। फिर ये क्या करेगी, यहाँ से ये बनेगी
मेम्ब्रेन बाउंड प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगी इधर, मेम्ब्रेन बाउंड प्रिसिपिटेट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज हाइंस बॉडीज, ठीक है ना, इसको हाइंस बॉडीज कहते हैं, याद रखें दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स। अगर हम ऐसे इसी तरह का आरबीसी बना लें तो इसमें ये जो हाइंस बॉडी होगी ना, इसमें ये देखें इस तरह की हाइंस हाइंस बॉडी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हाइंस बॉडीज एक्चुअली क्या है, ये डीनेचर्ड ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ये के जो हाइंस बॉडीज़ हैं इनके बारे में लिखा है कि जो सीनिन जी सिक्स पी डी डेफिशेंसी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये होता है, और हीमोग्लोबिन डी नेचर्स, वही सारी बातें जो हमने पहले बताई हुई हैं, और प्रिसिपिटेट्स वही बातें हमने बताई हुई हैं, और इसको हाइंस बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। फेगोसिटिक रिमोल जब होती है ना हाइंस बॉडीज़ की, तो फिर बाइट सेल्स ओरिजिनेट कर जाते हैं, ठीक है ना, बाइट सेल्स आर असल में आर बी सीज होते हैं ये बाइट सेल्स। देखें होता क्या है कि जब ये हाइंस बॉडीज़ बनती है ना, जब ये पास करते हैं थ्रू स्प्लीन के जरिए, तो जो फेगोसाइट सिटिक मैक्रोफेजेस इनको ना यहाँ से बाइट मारते हैं, यहाँ से इसको बाइट मारते हैं, जब बाइट मारते हैं ना इनको, तो यहाँ ये सेल इस तरह का दिखता है, ये देखें इस तरह का नहीं दिखता बल्कि इस तरह का दिखता है, ये देखें बाइट मार के यहाँ से उठाते हैं ये ऐसे ऐसे, इनको बाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है ना, बाइट सेल्स। अब देखें हमने क्या कहा कि इसके अलावा याद रखें कि जो जो H2O2 है ना, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स जो हैं, ये डायरेक्टली ऑन द आरबीसीज के ऊपर भी एक्ट करते हैं, डायरेक्टली आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक्ट करते हैं और हिमोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना, याद रखें। एक तो ये ग्लूटाथायोन के साथ ग्लोबिन के साथ जो रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है ना, ग्लोबिन को डीनेचर करके जो हाइंस बॉडीज़ बनाते हैं, दूसरा ये डायरेक्ट भी आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं और हीमोलिसिस कराते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको एक बात बताना चाहूँ ग्लूटाथायोन के बारे में, कि ग्लूटाथायोन जो है ये देखें, ग्लूटाथायोन एक ट्राईपेप्टाइड है, इसको इसका जो थाई है ना, थाई शो करता है कि एक ट्राईपेप्टाइड है। इसमें क्या क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, सिस्टीन होता है और ग्लाइसिन होता है। याद रखें जो जो उसका एसएच ग्रुप है ना, एसएच ग्रुप वो असल में सिस्टीन से आता है, ठीक है ना, ग्लूटाथायोन का, ठीक है ना। तो इसको देखें कि जब याद रखें कि ये हाइंस बॉडीज़ हैं ना, ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं ये, ठीक है ना, जबकि जो बाइट सेल पूरे का पूरा आरबीसी है, ठीक है ना, ये जो है ना ये पूरे का पूरा आरबीसी है हमारा, ठीक है ना, ये कटा हुआ आरबीसी का मेम्ब्रेन डैमेज्ड आरबीसी है। होता क्या है, ये देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी ये जो यहाँ से ये देखें, ये जो है ना ये आरबीसी है, इसमें बन गई इंक्लूजन बॉडी, ठीक है ना, इसमें इंक्लूजन बॉडी बनी, इंक्लूजन बॉडी आई आके ये जब जाती है स्प्लीनिक कॉर्ड्स के थ्रू स्प्लीन में वहाँ मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पकड़ के, ये देखें इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लें, इसको ऐसे ये इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है इस जगह में, फिर यहाँ से जो इंक्लूजन बॉडी है थड़प करके बाहर निकल आती है, ये देखें ये हमारी हाइंस बॉडी बाहर आ गई है, ये रह गई है आरबीसी, ठीक है ना। जब आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हुई है तो इसमें हिमोलिसिस होगी ना, अंदर जो कंटेंट है रप्चर्ड आरबीसी होती है, तो हिमोलिसिस, अब ये हिमोलिसिस कहाँ हो रही है, स्प्लीन में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस देखें, याद रखें यहाँ पे एक तो H2O2 ने डायरेक्ट ही यहाँ पे आरबीसी मेम्ब्रेन के डायरेक्ट हिमोलिसिस कराया है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन डैमेज करा के, और दूसरा हिमोलिसिस कहाँ है, जैसे ही हाइंस बॉडी स्प्लीन के अंदर जो जो उसमें बाहर आ जा रही है, हाइंस बॉडीज बाहर निकलते वक्त क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हुई, वाइट सेल्स बने, और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हुई है, ठीक है ना। तीसरी बात याद रखें कि हाइंस बॉडीज जो है ना, यहाँ स्प्लीनिक कॉर्ड में गुजरने से पहले हिंस बॉडीज खुद डैमेज कर सकती है हमारी आरबीसी को, ठीक है ना, ये देखें अगर डैमेज हाइंस बॉडीज की वजह से मेम्ब्रेन आरबीसी मेम्ब्रेन की डैमेज हुई है, फॉर एग्जांपल इस तरह बन गई है डैमेज होके, तो इसको हम कहते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लड वेसल में हो रहा है विदाउट गोइंग टू द प्रायर टू गोइंग टू द सी द स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन में जाने से पहले, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कहाँ कहाँ, एक नंबर एक,
ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस कहाँ, क्योंकि हाइंस बॉडीज एक्ट कर रही हैं मेम्ब्रेन पे और मेम्ब्रेन डैमेज कर रही हैं। दूसरा कहाँ, दूसरा एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, जब स्प्लीनिक मैक्रोफेज जिसको बाइट करते हैं, जब बाइट सेल्स बनते हैं हाइंस बॉडी निकलती है ठीक है, और बाइट सेल्स की वजह से ये क्या होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। तीसरा कहाँ, डायरेक्ट हिमोलिसिस, डायरेक्ट हिमोलिसिस इंड्यूस होती है, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स क्या करते हैं आरबीसी मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे जनरली एक एमसीक्यू बताता हूँ कि आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज जो है ना, इसको वाइटामिन ई भी बचाता है, वाइटामिन ई इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट ना, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। खैर ये वाइटामिन ई वाला हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है, ये एक एमसीक्यू मैंने ऐसे ही जनरली आपको बताया है, ठीक है, ठीक है ना। बस यही है कि लास्टली देखें कि हाइंस बॉडीज़ को हम देखते कैसे, हाइंस बॉडीज़ को हम क्या करते हैं सुप्रा वाइटल स्टेन में जब हम क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम इनको एज अ डार्क इंक्लूजन जैसा नज़र आता है ये हमें, ठीक है, हाइंस बॉडीज़, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है ना, कि जो G6PD डेफिशेंसी, ठीक है ना, दू अति तो G6PD दू अति तो रहेगा थोड़ा छो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये तो हमने कर लिया, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एक्यूट ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिसिस वगैरह वगैरह जो भी इसमें है, ठीक है ना, रोक के पढ़ सकते हैं आप दोबारा, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि स्ट्रक्चर अटैच टू लुम्बर वर्टिब्रा इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है ना। और उसके बाद देखें कि एक इस तरह का एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग लुम्बर सिंपथेक्टमी थेक्टमी विच गैंग्लियन इज स्पेयर्ड, द आंसर इज L1, ठीक है ना, याद रखें, ड्यूरिंग लुम्बर सिंपथेक्टमी L1 इज स्पेयर्ड, और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है ना वो लुम्बर वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर अटैच टू लुम्बर वर्टिब्रा इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसी तरह राइट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्टिम्युलेटेड, तो हेड टिल्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, देखें राइट मतलब राइट, राइट बोले तो राइट। इस तरह का एक और एमसीक्यू भी है, वो हम इसको नको देंगे, ठीक है, ठीक है ना। फिर हमारे पास है एथिस्टोसिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन GPA, हमने कहा था ग्लोबस पेलेडस एथिटोसिस, ठीक है ना। और उसके बाद कहाल स्टेन इज साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस स्टेन्स डेंड्राइट्स एंड सोमा, और होता क्या है ब्राउन एंड ब्लैक, ठीक है ना, ये स्टेन करता है ब्राउन एंड ब्लैक डेंड्राइट्स एंड सोमा को, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन अफेक्टेड ड्यू टू लेन ऑफ ऑर्बेक एक्सेस, और बे को मायंटेरिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए मेन क्लासेस एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रेजेंट एपीसीज के साथ MMHC2 एसोसिएटेड होती है, ठीक है।